परेली भोजीपुरा इलाके के जादोपुर सेंथल रोड पर सेड़ा गांव के पास जीजा साली बेहोशी हालत में पड़े मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती की देर रात शाम मौत हो गई। उसके बाद धनपाल ने भी रात में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों के अनुसार धनपाल अपनी बीवी बच्चों के साथ भोजीपुरा के पीपलसाना चौधरी गांव में रहता था और राममूर्ति अस्पताल में नौकरी करता था। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पीपलसाना चौधरी गांव में किराए पर रहने वाले धनपाल 29 तारीख को अचानक घर से गायब हो गया, जिसकी शिकायत धनपाल की पत्नी ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद कल दोनों जीजा साली को लोगों ने सेड़ा गांव के समीप बेहोशी की हालत में देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराकर परिजनों को सूचना दी, जहां धनपाल की साली बिमला की मौत हो गई। वहीं देर रात धनपाल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल इस घटना से घर में कोहराम मचा हुआ है। धनपाल के दो छोटे बच्चे हैं, एक 5 वर्ष वहीं दूसरा 6 माह का है। धनपाल की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है। थाना भोजीपुरा पर यूपी डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सड़क पर एक युवक और युवती बेहोश पड़े हुए हैं। इस सूचना पर डायल 100 की PRV ने उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर दौरान इलाज युवती की मृत्यु हो गई थी और आज प्रातः जो है उस युवक की भी मृत्यु हो गई है। जानकारी से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि दोनों रिश्ते में सगे जीजा साली हैं और जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। सामान्य चर्चा ये है कि दोनों के मध्य जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, बावजूद क्या सच्चाई है इसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और दोनों के शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या ऐसा क्या कारण अभी तक निकल गया है जो उस कारण में वो जहरखाना पड़ा सुसाइड करना कुछ? अभी चीज़ें चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी जो सामान्य चर्चा है वो ये था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की बात कही गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।